ई ये हेई एवरी वन आई होप यू ऑल आर गर्द या पिछली वीडियो में मैंने आपको Amazon के वेयर हाउस के बारे में बताया वो जॉब कैसे अप्लाई करनी है उसके क्या क्या पर्कस होते हैं और जो ख़बर मेरे को मेरे दोस्त से मिली वो भी आपको बताई और जैसा वादा करा था कि इस वीडियो में एक रेज्यूमे बनाएंगे ऐसा कि जिसमें आप ट्वेल्थ के बाद अगर यहाँ आए हो या ग्रेजुएशन के बाद भी आए हो आपने इंडिया में कोई मेजर एक्सपीरियंस नहीं करा कैसे करेंगे ए क्या होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इसके बारे में भी बताऊंगा और एक ऐसी बहुत ही नीट ट्रिक बताऊंगा ना कि जिससे अगर आप इंडीड ग्लास डोड कहीं भी जा रहे हो और उस टाइम पे उस जगह अप्लाई करोगे तो आपका जो रेज्यूम है वो सबसे पहले जाएगा एम्प्लॉयर के पास वो ट्रिक क्या है तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगा सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक बढ़िया सा रेज्यूम बनाते हैं और उसके बाद आपको ट्रिक भी समझाते हैं सी यू इज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन गाइस so आपका जो रेज्यूमें होना चाहिए वो कुछ ऐसा सा दिखना चाहिए अगर आपको इंडिया में जीरो एक्सपीरियंस है तो जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ये एक तरह से टेलर मेड है कि लाइक अगर आप ये चीज़ें भी उठा के सेम टू सेम लिख दोगे तो पहली बात तो आपको किसी भी स्टोर पर जाके अगर आपने जाना है और वहाँ जॉब करनी है तो ये पॉइंट्स अगर होंगे तो आपको वहां पर जॉब मिलने के चांसेस बहुत ईजी हो जाते हैं और अगर आप किसी रेस्टोरेंट या फिर टेम हॉटल्स या फिर कोई भी ऐसी जगह पर जाना चाहते हो जहाँ पे आपको सर्विंग कस्टमर कै सर्विस कैशियर सब कुछ करना पड़े तो वो सब यहां पे है मेरे दोस्त ने जो जॉब्स अप्लाई करी जिसकी वजह से उसे इतने सारे जॉब्स मिल गए दो से तीन हफ्ते के बीच में उसने यही करा वो जाता था इंडीड पे देखता था जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी उस हिसाब से स्टोर नेम अपना चेंज कर देता था उसके हिसाब से अपना जो रेज्यूमे होगा उसके पॉइंट्स थोड़े बहुत इधर उधर कर देता था तो बेसिक जो आपका फॉर्मेट होता है वो होता है सबसे ऊपर आपका नाम आ जाएगा आपका जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है ज्यादातर मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये एड्रेस फील्ड को हटाना भी चाहते हो देन इट्स ऑल्सो फाइन क्योंकि इतना ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है ये बस आपका कभी कभार ऐसे कर देता है कि जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो देखेगा कि आप पास में रहते हो तो वो आपको हायर करने के चांसेस उसके थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं दैट सेड अगर नहीं भी करोगे कि आप घर से दूर थोड़ी सी जॉब देख रहे हो क्योंकि आसपास सारी फिल हैं तो ये एड्रेस आप रिमूव कर सकते हो नॉट अ बिग टी उसके बाद जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि आपको अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है और ये सारा मैंने इंडिया के हिसाब से लिखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अब यहाँ पे बात करेंगे स्टोर कीपर स्टोर कीपर इन द सेंस कि आपने बस एक स्टोर मेंटेन करा है कोई ज़्यादा लाइक जितना भी वहाँ पे काम होता था शिपमेंट्स का वेरियस वो आपने थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ पे लिख देने हैं कि आपने क्या क्या करा ठीक है मेनटेन अ क्लीन से वर्क इन्वायरमेंट जो कि कैनेडा में बहुत ज़रूरी होता है और ये जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे ये मैंने गूगल पर सर्च करके कि कैनेडा में किस चीज़ को प्रायोरिटी मिलती है उसके हिसाब से लिखे हैं ठीक है तो आप ये सारा इसका पूरा मैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप पूरा का पूरा सेम टू तो सेम कॉपी भी कर सकते हैं और थोड़े बहुत अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं अब ये जो स्टोर कीपर की जॉब है ये आपको कहां कहां जॉब दिला सकती है ये आपको दिला सकती है में सर्कल के में और ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे जो भी स्टोर्स होते हैं यहां पे वहां पे आपको सारी जगह जॉब्स बहुत ईजिली दिखा सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको मेजरली यही काम करने होता है आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और अगली चीज हो जाती है जो कि आप लिख सकते हैं कि आपने कस्टमर सर्विस एसोसिएट या फिर कैशियर का काम करा है कहीं पे किसी जैसे कॉफी हाउस है कोई भी कहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वाइब आ जाती है कि आपने आ, कस्टमर सर्विस जो फूड इंडस्ट्री होती है वहां पे काम करा है ठीक है तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या करा है और ये जो पॉइंट्स है ये सारे भी मैंने कैनेडा के जो इंप्लॉयर्स मांगते हैं उससे टेलर मेड करें हैं, कि जितनी भी चीजें यहाँ पे होंगी वही सारी चीजें आप कैनेडा में काम करोगे किसी भी अगर आप टिम हॉटल्स में लगते हो आप ए एन डब्ल्यू किसी भी डोमिनोस कहीं पे भी जाते हो तो आपको इससे अलावा काम कुछ नहीं करना होता अगर आप बेसिक पे पर लगते हो तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने लगा दिया और एट द एंड कि अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं लिख सकते हो कि थोड़ा बहुत आपको दिखाना है कि यार ये थोड़ा सा ओवर द हो जाता है और मैं थोड़ा सा मिनिमम रखना चाहता हूँ तो आप वॉलेंटियर उसमें स्कूल एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर कर सकते हो खुद को कि उसमें ये दिखाता है कि आप एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते थे आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल थे आपको जो भी बजट होता था बजट फ्रेंडली आप सारा कुछ करते थे अपने स्कूल का सारा कुछ ओवर करते थे आप वेंडर से बात करते थे ठीक है ना जो कि एक तरह से आपको मैनेजमेंट रोल्स के लिए भी प्रिपेयर करता है और आपके जो बजट लाइक वॉलेंटियर एक्सपीरियंस होता है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि यार बंदे ने थोड़ा वॉलंटियर काम भी करा जिसकी वजह से उसको मैनेजमेंट एक्सपोजर भी मिला है अब ये सारा तो सबसे पहले आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने सारा शेयर कर दिया उसके बाद नीचे आ जाओ अपनी स्किल्स पे ठीक है उसमें आपने थोड़ा बहुत ही लिखना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं टीम वर्क कैसा है ठीक है एडिशनल स्किल्स में आप अपनी अडेप्टबिलिटी पॉजिटिव एटीट्यूड ठीक है पंचुअलिटी ये सारी चीज़ें बताओ जो कि यहाँ पे बहुत प्रायोरिटी मिलती हैं उन चीज़ों को ठीक है और एंड में लाइक like, थोड़ा सा कंप्यूटर एक्सपीरियंस सारे मांगते हैं कि थोड़ा सा कंप्यूटर एक्सपीरियंस हो बंदे के पास ये ना हो कि टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी ना पता हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट का लिख सकते हो और उसके बाद जो एजुकेशन है वो तो आपने कनाडा में जो कर रहे हो वो डाल देनी है ये इतना ज़रूरी होता नहीं है पर डाल सकते हो क्योंकि आपका रेज्यूमे थोड़ा सा ठीक लगता है कि बंदा काम कर रहा आप पता चल जाता है जो स्टूडेंट है वो कहाँ पे काम कर रहा है क्या करता है ठीक है और एंड में बात रही अवेलेबिलिटी की तो यार यहां पे ये मैंने बोल्ड उसमें लिख दिया ऑल डेज क्यों क्योंकि यार जब भी आप काम करोगे ना तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से अवेलेबिलिटी नहीं दे सकते क्योंकि इंप्लॉयर को चाहिए कि यार मैं आपको संडे को बुलाऊं आपको मंडे को बुलाऊं क्या पता और फिर अगर आप उसमें आना गानी करोगे तो वो आपको जॉब देगा ही नहीं पहली बात तो ठीक है अवेलेबिलिटी इसमें आपने ऐसे लिख देना है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आप पूरा एक चार्ट भी बना सकते हो ठीक है अवेलेबिलिटी में और ओवरनाइट अगर आप रात को काम कर सकते हो तो ओवरनाइट अवेलेबिलिटी भी लिख सकते हो जैसे कि ओपन टू एज वेल well. अगर आपका जो स्टोर है वो ट्वेंटी फोर सेवन है या फिर रात को भी खुलता है वेयर हाउस जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि जैसे ये स्टोर है ठीक है अगर आप यहीं पे वेयर हाउस में किसी अप्लाई कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी चेंज करके वेयर हाउस बना सकते हैं एच एन एच स्टोर को एच एन एच वेयर हाउस बना सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें जैसे मशीन से हो गया इन्वेंट्री रिलेटेड हो गया ठीक है ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो सारा कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आप जॉब के हिसाब से टेलर मेड करें आप इंडीड डी पे जाए जो भी जॉब आप भर रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करें और अपना रेज्यूमे सबमिट कर दें ठीक है अवेलेबिलिटी भी मैंने आपको बता दी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते ठीक है सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है कि अगर आप कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं कि आपने वही प्रायर एक्सपीरियंस पहले भी दिखाया वो अपने रेज्यूमे में जैसे कि फूड इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं स्टोर में जा रहे हैं वेयर हाउस में जा रहे हैं तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं और इसकी वजह से आपके जो जॉब मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं हाँ तो यार दोस्तों थोड़ा सा चेंज करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आते हैं बर्फ़ पड़ चुकी है और अब हम डिस्कस करेंगे कि ए और वो ट्रिक कौन सी है जो कि आपको हेल्प कर सकती है कि आपकी जो फाइल है वो सबसे ऊपर चली जाए जब भी आप जॉब अप्लाई करते हैं या फिर कौन सी दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि लाइक जब भी आप आंसर करते हैं उनके क्वेश्चन को जो एम्प्लॉय बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप उनमें क्या आंसर करें ताकि आपके जो सन्सेज हैं वो थोड़े से इंक्रीज़ हो जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए से एस ए क्या है ए है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम अब इसमें क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कि यार कि इतने सारा तो रिस्पॉन्स जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनसे जो मैच करता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम तो उसको साइड में कर देते हैं और उन्हीं जो फाइल्स होती है उन्हीं को आगे प्रोसेस करता है वो कंप्यूटर कि यार ये फाइल है मान लो कि आपने वॉलमार्ट में जस्ट एन एग्जाम्पल वॉलमार्ट में आपने मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करा ठीक है तो वहां का ए जो होगा वो मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगे जैसे सुपरवाइजर एक्सपीरियंस होगा कोई अगर सर्टिफिकेशन चाहिए होगी मैनेजमेंट से रिलेटेड तो वो अगर उन्होंने लिखी होगी तो वो जो जो सिस्टम होता है ना एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वो उन सारी चीज़ों को देखेगा कि आपके रेज्यूमे में वो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो सारी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स में लिखी हुई हैं अगर हैं तभी आपकी फाइल जो आगे जाएगी नहीं तो वो तो कंप्यूटर ही रिजेक्ट कर देगा तो ये चीज़ जब भी जो अभी हमने रेज्यूमर बनाया बिल्कुल बेसिक है लेकिन जब भी हम कोई भी जॉब अप्लाई करेंगे हमने उस समय वो जो स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे ना वो सारे कॉपी पेस्ट करने ही करने हैं किसी तरह मोल्ड करना है कि उसे ऐसा लगे कि यार ये कहीं पर भी पहले काम करता था इसने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़ निभाई हैं अब आ जाते हैं उस ट्रिक पे जो कि यार मेरे दोस्तों ने यूज है मैंने खुद यूज और उसका रिजल्ट मेरे को मिला है कैसे कि यार मेरे जो दोस्त ने अप्लाई करा जिसकी इतने दिनों से बात हो रही है वो उसने क्या करा उसने रात को बारह एक और दो इन तीन घंटों के बीच में जॉब्स अप्लाई करेंगे क्यों करी क्योंकि यार जब हम उस समय अप्लाई करते हैं ना तो जो सर्वर होता है इंडीड का ग्लासडोर का या फिर कोई भी आप साइट पे जाते हो तो वो रीसेट होता है वो रिफ्रेश होता है वो जो सारा जो बैकअप करते हैं वो सारा कुछ करते हैं तो वो रीसेट होता है जो जब भी आप उस समय अप्लाई करोगे तो आपकी जो फाइल है वो सबसे टॉप पर चली जाती है तो ए टी आई सोचा या फिर अगर एम्प्लॉयर खुद भी चेक कर रहा है तो अगर आपकी फाइल जो भी आपने सबमिट करी है वो सबसे ऊपर होगी तो वो नज़र में आएगी आएगी और ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर हम टाइम थोड़ा सा देख करें ना कि अगर हम मिड को कर रहे हैं एक दो बजे के आसपास कर रहे हैं तो उसका हमें थोड़ा सा बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है और इसी के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हमेशा येस करो कभी भी ये नहीं करना कि यार मेरे पास तो ये है ही नहीं यार आपको थोड़ा सा यू हैव टू प्ले दिस गेम ठीक है क्योंकि काम पे उन्होंने आपको सब कुछ सिखाना ही है बस एक बार यहाँ पे सबसे मुश्किल काम क्या होता है जस्ट टू गेट अ फुट इन द डोर और उसके लिए हमें थोड़ी सी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं ठीक है ये आप टाइम अगर फॉलो करोगे कि रात को कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन ऊपर जाती है ए से बचने के लिए हम अपनी जो रेज्यूम है उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग ठीक है और इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम करते रहेंगे ना तो हमारे चांसेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर होगी तो यार यही रेज्यूमे का सारा सार था कि कैसे आप वॉलंटियर वर्क डाल सकते हो कैसे इंडिया का अगर आपको रेज्यूमे में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है बट जो बेसिक चीजें हैं जो हम यहाँ पर भी सुनते हैं वहां भी देखते हैं वो कोई भी कर सकता है उनको कैसे हम लिखें कैसे हम उसे स्पेसिफाई करें वो सारा मैंने आपको बता दिया ठीक है आई होप आपकी कुछ हेल्प होगी ठीक है यहां मैं गूगल का गूगल ड्राइव का लिंक भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन uh, में वहां से जाके आप अगर आपको जरूरत होगी तो आप मेरे रेज्यूमे की भी कॉपी ले सकते हैं

तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर इच्छ आई डी साइनिंग ऑफ